subscribers! तो कैसे हैं आप लोग? पता है जब आखिरी एग्जाम खत्म होने में सिर्फ एक मिनट बचा होता है तब दिल कहता है अब तो बस। उड़ी जावा हवा दे नाल वे मैं उड़ी उड़ी जावा हवा दे। खैर एग्जाम खत्म होना कोई आम बात नहीं है। अरे जंग जीती गई है, बच्चे घायल हो रखे हैं, हाथ आधा नीला हो रखा है, पेन चला चला के बीच वाली उंगली पे डेंट पड़ गया है और कुछ लड़कियां ग्रुप बना के रो रही हैं यार। अरे शीला खत्म, एग्जाम खत्म। रितु रो मत रितु, अपना भी घर होगा, अपनी इज्जत होगी। मुठो। फिर आते हैं कुछ चमत्कारी बच्चे जिन्हें भगवान ने पर्सनली टच किया है। उनमें से एक मुझसे हर साल इस वक्त एक ही चीज बोलता है, एग्जाम्स खत्म हो गए बाय। हाँ यार खत्म तो हो गए। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बाय। इंडिपेंडेंस डे क्या? हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बाय। अबे आज थोड़ी ना है। हाँ भाई एग्जाम्स खत्म, वी आर फ्री। एग्जाम्स खत्म होने में स्वतंत्रता दिवस बना रहे हो? जैसे ही वो कहता है ना हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बॉय, मेरा मन करता है प्यार से अपना हाथ उसके गाल पे रखूं और फिर साइड वाली दीवार में सर दे दूं उसका। नहीं नहीं तू क्या चाहता है, जैसे एग्जाम्स खत्म हो और तू स्कूल के बाहर निकले सब लोग तेरे लिए ताली बजाएं और बैकग्राउंड में कौन तेरे लिए गाना गाए भोसड़ी के? फ्रीडम ओ फ्रीडम ओ फ्रीडम ओ मार दो बहचोद। खैर ये तो थी एग्जाम्स खत्म होने की बात, लेकिन उसके बाद क्या आता है? स्कूल की छुट्टियां कब शुरू होती है और कब खत्म पता ही नहीं चलता है। कभी कभी लगता है सस्ती सी लूसिड ड्रीमिंग तो नहीं चल रही, मजानी लाइफ में खो गया दिमाग। खैर जैसे ही छुट्टियां खत्म होती है स्कूल के पहले दिन पे टीचर तुमसे पूछती है, और बच्चों कहाँ कहाँ गए घूमने? अब इस सवाल को हल्के में मत लेना। ये सवाल तुमसे इसलिए नहीं पूछा जाता क्योंकि टीचर को तुम्हारी परवाह है ना। इस सवाल से तुम्हारी औकात घोषित होती है कि भोसड़ी के कहाँ गया था तू घूमने, बता पूरी क्लास को बता। सबसे पहले एक अमीर सी बच्ची खड़ी होगी और ऐसे, मैम आई वेंट ऑन अ क्रूज, इट वॉज ब्यूटिफुल एंड ब्लू। वाओ। यस मैम, एक्चुअली मेरी दो बार फ्लाइट भी डिले हो गई थी। लेकिन बेटा तुम तो क्रूज पे गई थी तो फिर फ्लाइट? तब पता चलता है वो लड़की क्रूज पे नहीं अपने नानी के घर गई थी, जहाँ उसने अपनी पूरी छुट्टी अपने मामा के बच्चों के साथ बिस्तर पे गुलाटियां मारी हैं। अब जैसे ही टीचर मेरे जैसों से पूछती है ना, मेरा तो एकदम से फ्लैशबैक हो जाता है कैसे सारी छुट्टियां गलियों में टोलते हुए गुजारती। एक्साइटमेंट के लिए कभी कभी गली के कुत्ते पीछे पड़ गए, कभी हम कुत्तों के पीछे पड़ गए, और जब कुत्ते थक हार के चकना चूर हो गए तब गली के छोटे बच्चों में थप्पड़ लगा दिया, उन छोटे बच्चों ने मुझ में थप्पड़ लगा दिया। ऐसे करते करते पूरा दिन ढल गया। फिर कल दोबारा उठे और ये साइकिल वापस रिपीट। ऐसे ही करते करते पूरी छुट्टियां निकल गई। फिर एहसास होता है तुम लोग क्लास में बैठे और सारे बच्चे तुम्हें ऐसे घूर रहे हैं जैसे अभी खाएंगे। फिर मुंह से जो निकलता है पता नहीं कहां से आता है, मैम आई वॉज हाय। क्या? मैम मैं नैनीताल गया था। और ये छक्का। नैनीताल दुनिया का सबसे बढ़िया जवाब है क्योंकि मानो ना मानो नैनीताल हर कोई कभी ना कभी कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे ऐसे ना वैसे घूम के आ चुका है। तो इसलिए मुबारक हो, बच्चा अपने औकात पे टिका रहा। फिर आ जाते हैं उन बच्चों पे जो अपनी गांव की जमीन बेच के शहर में पढ़ने आए हैं। मैडम माई सेल्फ कमिंग फ्रॉम विलेज एरिया, हम कहीं घूमने नहीं गए लेकिन हम फुटबॉल खेली करी, हम क्रिकेट खेली करी, हम खो खो खेली करी, हम छुआ छूत की बीमारी। क्या? मैडम छुआ छूत की बीमारी। क्या किया तुमने उसका? खेली करी। अब कभी कभी ऐसा होता है कि तुम सुबह सुबह स्कूल जाने के लिए अंडरटेकर स्टाइल में अपने बेड पे उठते हो एंड योर बॉडी सेज आज नहीं हो पाएगा। तुम भी सोचते हो यार एक ही दिन की तो बात है, क्या हो जाएगा, धरती फटके चार थोड़ी ना हो जाएगी, ले लेता हूँ छुट्टी। फिर जब अगले दिन तुम स्कूल जाते हो तो तुम्हें पता चलता है कि भैया कल के कल पूरी दुनिया 360 डिग्री घूम गई, गजब हो गया, दो लौंडों के बीच में प्यार मोहब्बत की लड़ाई हो गई, सुनील दी मैथमेटिक्स चाइल्ड प्रोडजी पता चला इंसान नहीं है, 12वीं क्लास का राकेश शर्मा एक प्री नर्सरी में पढ़ते हुए बच्चे का बाप निकला,
शाहरुख खान ने दी मोटिवेशनल स्पीच, हुसैन बोल्ट भगे ग्राउंड में बच्चों के साथ, और आखिरी झटका, पूरे साल का सिलेबस कल खत्म हो चुका है और तुम्हें 29 कॉपियां सबमिट करनी है। ये सब सुन के कोई भी भला व्यक्ति पैंट में मुंह दे, अंदर से फीलिंग आती हाय रब्बा ये क्या कर दिया मैंने, आज के बाद छुट्टी नहीं मारूंगा। लेकिन इंसान जात को ऐसे ही ढीठ नहीं कहते, फिर छुट्टी मारते हैं, फिर यही बकचोदी होती है। इसलिए मुझे गर्मियों की छुट्टियां सबसे बढ़िया लगती है। 7-8 महीने तक गांड घिसने के बाद जो 1.5-2 महीने का ब्रेक मिलता है ना, आहा पाजी स्वाद आ गया। लेकिन स्कूल वाले हमारे पिछवाड़े में सर दिए बिना कैसे रह सकते हैं। आज से कई साल पहले एक बहुत ही सीरियस मीटिंग बैठी थी। हमने बच्चों को 2 महीने की छुट्टी तो दे दी है, लेकिन हम उन्हें जिंदगी के मजे लेने नहीं दे सकते। अब आप लोग ही बताइए क्या किया जाए। सर आई वुड सजेस्ट, मिस्टर चूतरमल आप लंच में क्या लाए हैं? सर दम आलू। चुप, दम आलू ला के आपके बोलने की हिम्मत कैसे हुई? बैठिए, जमीन पे बैठिए। सर आई वुड सजेस्ट, मिस्टर चड्डा आप क्या लाए हैं लंच में? सर मटर पनीर विद डबल रोटी। वाह वाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, तेरा बाप नल्लाह। थैंक यू सर। एज आई वाज सेइंग, सर क्यों ना हम बच्चों को होमवर्क दे दें? मिस्टर चड्डा ये सुन के बच्चे दंगे कर देंगे, पूरे स्कूल में दंगल दंगल हो जाएगा। लेकिन सर अगर हम होमवर्क के आगे एक ऐसा शब्द लगाएं, एक ऐसा शब्द जिससे बच्चों को खुशी मिलती है, एक ऐसा शब्द जिससे 12 साल के बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं। सेक्स? नहीं सर, हॉलीडे, हॉलीडे होमवर्क। हॉलीडे होमवर्क एक ऐसी साजिश है जिसके लपेटे में हर बच्चा आ रखा है। हॉलीडे होमवर्क करना ना करना अपने लंड पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। अगर नहीं करोगे तब टीचर दाने मारेगी, और अगर अपने आप को रगड़ रगड़ के जैसे तैसे तुमने कर दिया तो मित्रों वो काफी नहीं है। हॉलीडे होमवर्क को दुल्हन की तरह सजाना पड़ता है। अगर फोल्डर पे मोर का पंख नहीं चिपका हुआ तो चेक करना तो छोड़ो, टीचर देखने के लिए अपनी मुंडी तक नहीं घुमाएगी। मैं सही बता रहा हूँ, हॉलीडे होमवर्क से ज्यादा फालतू चीज मैंने आज तक नहीं देखी। मेरी जिंदगी, मेरी बंदगी, मेरी गंदगी, हॉलीडे होमवर्क कहीं काम नहीं आया। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई ना तो यार लाइक मारो, एम करते हैं 1,15,000 लाइक्स के लिए। जल्दी कर दो यार, उसके बिना धंधा नहीं चलता है। और अगर तुम लोग मुझे पहली बार बकते हुए सुन रहे हो तो यार सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ तुम लोग छुट्टियां बनाओ या फिर उसके साथ ईंट तोड़ो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। वैसे यार 1 मिलियन बहुत जल्दी होने वाले हैं, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा यार, जल्दी कर दो प्लीज प्लीज। अब मैं भी जा रहा हूँ यार, मैं अपनी छुट्टियां एंजॉय करूंगा। बाय। मोहित नशे कहाँ है? साले नशे कहाँ है? तब से इंतजार कर रहा हूँ यार मैं, नशे कहाँ है?